लगातार दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुए बाजार। बैंक निफ्टी ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड, लेकिन निफ्टी रहा दायरे में और 18,400 के पास हुआ बंद। अठारह साल बाद टाटा ग्रुप की फिर आईपीओ लाने की तैयारी। टाटा टेक्नोलॉजीज अगली तिमाही में दे सकती है आईपीओ की अर्जी। टाटा मोटर्स समेत ग्रुप कंपनियां बेचेंगी हिस्सेदारी। इटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 19% प्रीमियम के साथ ग्लोबल हेल्थ की मजबूत लिस्टिंग। इश्यू प्राइस 336 के मुकाबले 401 पर लिस्ट। करीब 7% प्रीमियम के साथ बीकाजी की भी अच्छी लिस्टिंग। इश्यू प्राइस 300 के मुकाबले 322 रुपए पर हुआ लिस्ट। घरेलू बाजार में कोयला हो सकता है महंगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खास बातचीत में कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले देश में भाव काफी कम, कीमतें बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं। रिन्यूएबल सेक्टर को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। टैरिफ बेस्ड कंपटीटिव बिडिंग की गाइडलाइंस में किया बदलाव। पावर परचेज एग्रीमेंट की अवधि में मिली ढील। मुंबई की ईवी बनाने वाली कंपनी पीएमवी इलेक्ट्रिक ने देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार ईज ई को किया लॉन्च। इस कार की कीमत 4.79 लाख रुपए से शुरू। ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस 29 नवंबर से दोबारा होगी लॉन्च। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए बॉस एलन मस्क ने किया इसका ऐलान। इंडोनेशिया के बाली में दिखा भारत की कूटनीति कदम। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की बैठक। इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की सौंपी अध्यक्षता। पीएम मोदी ने कहा, ये गर्व का क्षण। मैंग्रोव फॉरेस्ट में साथ दिखे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति। बाइडेन ने प्रधानमंत्री को किया सल्यूट। बाली में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के बीच बैठक। दोनों ने गले लगकर और हाथ मिलाकर की मुलाकात। अहम द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। बाली के मैंग्रोव फॉरेस्ट में G20 नेताओं की बैठक। इंडोनेशिया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मैंग्रोव फॉरेस्ट में घूमते दिखे G20 नेता। प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन समेत सभी ने किया वृक्षारोपण। G20 शिखर सम्मेलन में डिनर के दौरान पीएम मोदी से मिले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कांग्रेस और AIMIM ने उठाए सवाल। ओवैसी ने पूछा, लाल आंख कब दिखाएंगे साहिब। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। सीएम पटेल भी साथ में रहे मौजूद। भूपेंद्र पटेल के नामांकन से पहले लोगों का किया अभिवादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सैयद नासिर हुसैन, प्रणव झा, गुरदीप सिंह सप्पल और गौरव पांडे होंगे कोऑर्डिनेटर। मध्य प्रदेश में 23 नवंबर से होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने खांडवा पहुंचे दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश। गुजरात से आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी का ट्वीट। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, गुंडागर्दी पर उतारू है बीजेपी। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, 3 लोग घायल। पूर्वी जिला अध्यक्ष जय कुमार को हटाने की मांग को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली में MCD चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के बहनोई और PA समेत 3 गिरफ्तार। कैश फॉर वोट मामले पर ACB की कार्रवाई में खुलासा। वार्ड टिकट के लिए 90 लाख रुपए में तय हुआ था सौदा। कोड वर्ड डिकोड किए जाने का भी दावा। कैश फॉर वोट मामले पर शहजाद पूनावाला का ट्वीट। लिखा, आम आदमी पार्टी लुटेरी पार्टी है, अब टिकट के बदले नगद लूट हो रही। लखनऊ में सूफिया नाम के शख्स ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से दिया धक्का। इलाज के दौरान निधि की मौत। लखनऊ में प्रेमिका की हत्या का आरोपी सुफियान गिरफ्तार। मामले की जांच जारी।
के परिवार के आरोप के बाद पुलिस ने सुफियान के खिलाफ दर्ज की FIR, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। लखनऊ में निधि की मौत के मामले में जांच तेज, घटनास्थल से पुलिस ने जुटाया सबूत। श्रद्धा की हत्या के मामले में आफ्ताब का हुआ नार्को टेस्ट, कोर्ट की इजाजत के बाद हुआ नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा, जो हड्डियां बरामद की गई थी वो शरीर के पिछले हिस्से की थी। पुलिस ने अभी तक ऐसे 10 से 12 बॉडी पार्ट्स किए बरामद। दिल्ली पुलिस को अब तक नहीं मिला श्रद्धा का सिर, आफ्ताब के बयानों की पड़ताल के साथ आज फिर से श्रद्धा के सिर की तलाश करेगी पुलिस। मैनपुरी को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, उपचुनाव के लिए नहीं खड़ा होगा पार्टी का कोई भी उम्मीदवार। गुजरात के सूरत में डाइंग मिन में लगी भीषण आग, आग में लाखों का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। श्रीनगर पुलिस ने TRF के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में किया गोला बारूद बरामद। मिजोरम के हंथियाल में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू जारी, मलबे में अब तक 11 शव बरामद, एक युवक अभी भी लापता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ग्रामीणों का प्रदर्शन, रोजगार को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। भारी बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख रोड बंद, क्रेन से हटाई जा रही है बर्फ, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बर्फबारी, मुगल रोड पूरी तरह से बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल के शिमला में कैदियों ने लगाई प्रदर्शनी, शिमला के गेटी थिएटर में कार्यक्रम का आयोजन, DGP ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की अपनी उम्मीदवारी, 2024 में खत्म होने वाला है जो बाइडेन का कार्यकाल। ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, गोली लगने से 3 की मौत, कई घायल। हिजाब के खिलाफ नहीं थम रहा है ईरान में प्रदर्शन, विरोध के बीच देशव्यापी हड़ताल से बंद रहे बाजार। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के पर्यावरण मंत्री रुस्लान स्टाइलेट्स ने COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में की शिरकत, कहा यूक्रेन के साथ खड़ी है पूरी दुनिया। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हार के बाद उनके समर्थक सड़क पर उतरे, हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। पोलैंड ने लगाया रूस पर मिसाइल हमले का आरोप, हमले में 2 लोगों की मौत, हमले का वीडियो वायरल। पोलैंड पर रूसी हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा मिसाइल अटैक आगे के लिए बड़ा संकेत, रूस का सामना करे पोलैंड, आज जवाब नहीं तो देर हो जाएगी। पोलैंड पर रूसी मिसाइल अटैक को लेकर नाटो नेताओं की बैठक, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक भी हुए शामिल, पोलैंड पर हमले को लेकर जताई नाराजगी। पोलैंड पर रूसी हमले के बाद नाटो ने रूस के राजदूत को किया तलब, मिसाइल हमले को लेकर मांगा जवाब, पोलैंड में सेना को भी अलर्ट रहने को कहा गया। रूस का पोलैंड पर मिसाइल हमले से इनकार, कहा पोलैंड पर कोई मिसाइल नहीं दागी, आरोपों को बताया साजिश का हिस्सा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा डोनेत्स्क के पावलिवका गांव को पूरी तरह करा गया आजाद, इलाके में रूसी विमानों और सैन्य वाहनों का जारी किया वीडियो। रूस ने कीव में रिहायशी इमारतों पर किया हमला, एक के बाद एक दागी कई मिसाइलें, कीव के मेयर ने दी जानकारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव, लंदन दौरे से लौटे थे शहबाज शरीफ।
वेस्ट बैंक हमले में मारे गए दो इजरायली नागरिक, इजरायल के सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। यूके ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से हटाया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को देखते हुए लिया गया फैसला। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान का बड़ा कदम, नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का किया परीक्षण। भूकंप के तेज झटके से हिला नेपाल, अचम के बबाला के पास रिक्टर स्केल पर 4.2 रही भूकंप की तीव्रता। आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने जारी की खिलाड़ियों की लिस्ट, कई खिलाड़ियों का कटा पत्ता, ऋषभ पंत होंगे कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए जारी की नई लिस्ट, 8 खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, कई नए चेहरे टीम में शामिल।